Please subscribe to our channel Education Talks with Abbas and press bell icon for latest and more educational videos. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin summa amin. So aaj humne jo hamara lecture hai wo chromatography ke upar hai, theek hai? Kiske upar hai? और हमने चैप्टर वन के तमाम जो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो लेक्चर है उनमें सारे हम उसे पढ़ भी चुके हैं, उसके कंसेप्ट वगैरह ले चुके हैं और उसके हम क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं। और चैप्टर टू हमारा जो है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, हमारे नाम जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, इसमें हमारे पास पाँच टेक्निक इस्तेमाल होती है, एक फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी, जिसमें से दो जो है वो शामिल नहीं है स्मार्ट सिलेबस में। एक जो है हमारा फिल्ट्रेशन और दूसरा क्रिस्टलाइजेशन, और सब्लिमेशन और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में जो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं वो हमने अच्छे तरीके से कर लिए हैं। और क्रोमेटोग्राफी के बारे में हमने जो पहली वीडियो में बता दी, इसके बारे में क्रोमेटोग्राफी होती क्या है, तो इसका मैं रिकैप दे देता हूँ। क्रोमेटोग्राफी लफ्ज निकला है क्रोमेटोस से, इसका मतलब क्या है, सेपरेशन या कलर राइडिंग इसका मतलब है। मतलब इसमें हम सेपरेशन करवा देते हैं या प्यूरिफिकेशन करवाते हैं या आइसोलेशन करवाते हैं, इसे हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो टेक्निक जो है ये 1903 में जो है इंट्रोड्यूस हुई। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपोनेंट्स बिटवीन टू फेसेस। हमने सारा इसमें जो फिगर बनाई थी बीकर वाली, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये हमने जो लिया था ये बीकर हमारे पास है, ये हमने इसमें क्या लिया है H2O वाटर लिया है, और हमने टिश्यू भी लिया बात था, ठीक है। इसमें क्या हो गया था, ये हमने कहा था हमारे पास कौन सी स्टेट थी, हमारे पास मोबाइल फेस थी और ये कौन सी थी लिक्विड फेस, मोबाइल फेस और ये स्टेशनरी फेस। ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख भी नहीं, कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस, तो ये हमने पिछले डिस्कस कर लिया था। जो स्टेशनरी फेस होती है वो क्या होती है, जो ये मोबाइल फ्लो इसके ऊपर करता है, फ्लो करता है, यही है ना, मोबाइल फ्लो व्हिच फ्लो ऑन द स्टेशनरी फेस इज कॉल्ड, हमारी जो थी ये हमारे पास स्टेशनरी फेस है। और स्टेशनरी फेस हमने बात की थी, ये हमारी किसमें हो सकती है, सॉलिड में हो सकती है या हमारी गैस फेस में भी हो सकती है या लिक्विड फेज में हो सकती है, ठीक है। और हमारी मोबाइल फेज जो है वो इस हम चैप्टर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी किसमें होगी, लिक्विड में होगी। तो एक क्वेश्चन पढ़ लिया, डिफाइन क्रोमेटोग्राफी होती क्या है, और इसमें जो हमारे पास मोबाइल फेज होती है, एक हमारे दो कंपोनेंट होते हैं, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज, इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो है प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है, इसी चीज हमने डिस्कस की। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, उसका फार्मूला भी हम डिस्ट्रीब्यूशन रा से लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन रा में, कि हमारे कंसंट्रेशन ऑफ हमने वहां पर सॉल्यूट पढ़ा था, यहां पे क्या होगा कंपोनेंट इन मोबाइल फेस में कितना हमारा सॉल्यूट जाएगा, जैसे हमने सॉलिड स्टेशन में पढ़ा था कि मोबाइल फेस में कितना जाएगा हमारा स्टेशनरी फेस में, सॉरी उसमें हमने पढ़ा था कि हमारा जो है फर्स्ट सॉल्वेंट में सेकंड सॉल्वेंट में कितना जाएगा, और हमारा दूसरा जो है कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन स्टेशनरी फेज, तो ये आपने याद रखना है। तो आप यहां समझ आ गई है, अब जो आज के लेक्चर में स्टार्ट करता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आज के लेक्चर से स्टार्ट करते हैं, अब आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी के बारे में, भी इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी को हम कितने हिस्सों में तकसीम, मतलब क्लासिफाई कितनी टाइप हो सकती है, ध्यान से देखते हैं। पहली नंबर पे जो होगी ऑन द बेसिस ऑफ शेप की बेसिस पे आ जाएगा पहला, ठीक है। दूसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ हमारा फेज, और तीसरी जो होगी ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, आपने इसको शोर के लिहाज से याद करना है, ठीक है। अब आप पहले देखते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ शेप क्या है, अब ऑन द बेसिस ऑफ शेप क्रोमेटोग्राफी को हम डिफरेंट वेरियस
टाइप्स में इसको डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंट वेरियस टाइप्स में इसको डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन हमें किस तरह की सेपरेशन हम करवाना चाहते हैं। ठीक है, आपको क्या लिखना है? ऑन द बेसिस ऑफ शेप क्रोमेटोग्राफी इज डिवाइड इनटू डिफरेंट फेज डिपेंडिंग ऑन व्हिच सेपरेशन इज अकर। अब इसकी एग्जांपल देख लें ऑन द बेसिस ऑफ शेप। इसकी एग्जांपल पेपर क्रोमेटोग्राफी हम कह देते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी। और क्या हो सकती है इसमें? हमारे टीसी क्रोमेटोग्राफी। टीसी का मतलब है हमारा थिन, जो हमारी क्रोमेटोग्राफी होगी टीसी क्रोमेटोग्राफी। और हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। अगर कोई आपको क्वेश्चन आता है कि आप जो है इसमें जो है लिखे अपना ऑन द बेस ऑफ शेप पे डिवाइड करें, तो आपने बताना है कि हम इसको डिफरेंट तो हम वे पे क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेशन। और इसकी एग्जाम्पल जो है ये है। ठीक है, इस तरह ही हम अगला देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप कि हम इसको शेप पे कैसे कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेस। सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ फेस। अब फेस में क्या होगा? हमने दो बातें पढ़ी थी, एक स्टेशनरी फेस और एक मोबाइल फेस। इसमें हमने क्या पढ़ा था? लिक्विड के बारे में पढ़ा था, गैस के बारे में, सॉलिड के बारे में। तीन स्टेट होती है हमारे पास। तो हम इसकी एग्जाम्पल दे देंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए इसकी जो है फेस की बेसिस पे। इसमें हम कह देते हैं लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और हो जाती है गैस सॉलिड और गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो ये इसकी टाइप्स हैं, ये ध्यान से देख लेंगे। एक क्वेश्चन आता है हमारा कि ऑन द बेसिस ऑफ आप फेस बताएं, तो हम कहेंगे कि हम ऑन द बेसिस ऑफ फेस हम इसको स्टेशनरी फेस और लिक्विड फेस में हम इस्तेमाल करते हैं सॉलिड लिक्विड और गैस को, और ये इसकी एग्जांपल है। तो इस हिसाब से देखिए भी जाए क्वेश्चन, ये हमारे पास जो है ये इसकी एग्जांपल थी। यहां पर नोट कर लो, आपको ऑन द बेसिस ऑफ शेप पता चल गई एग्जांपल इसकी ऑन द बेसिस ऑफ फेस। लेकिन तीसरा जिसमें पार्ट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑन द बेस ऑफ मैकेनिज्म, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। तो आपने नोट कर लिया, चला फिर इसके बारे में डिटेल से हम देखेंगे कि बेसिस ऑफ मैकेनिज्म है हमारा होता क्या है। अच्छा, अगला जो हमारा लास्ट में इंपॉर्टेंट है ऑन बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से। इसमें जो है हम दो तरह से डिवीजन करते हैं, देख लेंगे। डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है कि आपको डेफिनेशन में आ जाए पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। तो एक इस तरह क्वेश्चन आ सकता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, और जो है इसमें भी आ सकता है आपको के दो इसकी टाइप्स होती है। शासन नोट की कैलकुलेट कर लेना नोट, आप पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी और हमारा दूसरा है एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एक इस तरह क्वेश्चन आप आ सकते हैं कि डिफाइन करते हैं। और अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है इसमें, डिफरेंस बिटवीन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी और एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तीन तरह से सवाल आ सकते हैं, ये जो है तीन तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड में। एक डिफाइन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, डिफाइन एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, और डिफरेंस बिटवीन पार्टीशन एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले पार्टीशन की नोट करने के साथ साथ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होती क्या है। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी हमारी जो है इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है इसमें जो हमारे पास स्टेशनरी फेस होगी वो लिक्विड होगी। आसान सी डेफिनेशन दो लाइनों की के क्रोमेटोग्राफी इन विच लिक्विड इज यूज्ड एज स्टेशनरी फेस। लिक्विड इज यूज्ड एज स्टेशनरी फेस, हम क्या लिखेंगे? लिक्विड इज यूज्ड एज स्टेशनरी फेस। लिक्विड इज यूज्ड एज, बस ये लिख लिया आप कि क्रोमेटोग्राफी इन विच लिक्विड इज यूज्ड एज स्टेशनरी फेस इज कॉल्ड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो इसकी एग्जांपल जो आप दे सकते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में वो इसमें आ सकती है पेपर क्रोमेटोग्राफी। अगर ये आप दो लाइन लिख दें आपको दोनों मिल जाएंगे इसमें।
पहले आपने क्या लिखना है? डेफिनेशन। क्या लिखेंगे? इन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन विच लिक्विड इज यूज एज स्टेशनरी फेज इज कॉल्ड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। और इसकी एग्जांपल जो होगी हम इसमें क्या बताएंगे, इसमें एग्जांपल में आ जाएगी पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्या आ जाएगी? पेपर क्रोमेटोग्राफी। अगर आपसे एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन पूछी जाए तो हम इसमें कहेंगे कि हम इसमें सॉलिड सब्सटेंस को यूज करते हैं एज अ स्टेशनरी फेज। सॉलिड सब्सटेंस इज यूज्ड एज स्टेशनरी फेज। हम सॉलिड सब्सटेंस को यूज करते हैं स्टेशनरी फेज। इसकी एग्जांपल आ जाएगी हमारी थिन क्रोमेटोग्राफी आ जाएगी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये इसकी एग्जांपल आ जाएगी। अब ये अच्छे तरीके से देख लें, उम्मीद है कि आप समझ आ गए होंगे पार्टीशन। अब हमारी एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती क्या है? बेसिकली हम एब्जॉर्प्शन, अब हम एक हमारे पास फॉर्म है, फॉर्म को पानी में हम क्या करेंगे, डिप करेंगे तो सारा पानी उसमें भर जाएगा, उसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन क्या है कि जो लेयर जो है ना हमारी सॉलिड की लेयर उसके ऊपर पानी आ जाए, कहते हैं कोई हमारे लिक्विड आ जाए उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, हमारा जो मोबाइल इसमें लिक्विड होता है और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में जो हमारा इसमें स्टेशनरी फेज में लिक्विड होती है इसे हम बोलते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, काफी बोर्ड में आ चुका है, डिफरेंस बिटवीन पार्टीशन एंड एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। इससे पहले क्या करेंगे, दोनों की डेफिनेशन आएंगी, दोनों की एग्जाम्पल्स आएंगी और तीसरी चीज में आएगी कि हम इसमें बता सकते हैं कि इसमें हम जो है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में क्या यूज करते हैं। सेपरेशन इन्वॉल्व्स होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट। हम किसी भी कंपोनेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसका आप लिख लेंगे, इसकी शायद आपको इसके नोट्स दे देता हूँ कि पार्टीशन एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इसमें एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज रह गई है कि जिस टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी जो हमारी एब्जॉर्प्शन है इन विच फिजिकल फोर्सेस आर इन्वॉल्व इन रिटेंटिविटी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अब आज ने क्या पढ़ा कि हमारी पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, पार्टीशन सॉरी और एब्जॉर्प्शन और डिफरेंस क्या है इसका, और याद हम सारी चीजें पढ़ ली हैं। ये बोर्ड के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उम्मीद है कि आपको भी सारी चीजें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर क्रोमेटोग्राफी को डिटेल से डिस्कस करेंगे।